हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन यानी कि निमकी। इसके लिए मेजरमेंट कप से 3 कप मैदा ले लिया है और हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और देंगे कलौंची, थोड़ी ही डालेंगे। उसके बाद ऑयल डाल के इसको मिलाते जाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाना है, लम्स ना रहे, अच्छी तरह से मिक्स करना है। मुझे थोड़ा और ऑयल चाहिए, इसे अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है। मैंने इसी मेजरमेंट कप से माप के लिया है और इसी कप से हम पानी भी ऐड करेंगे। अभी मुझे मुट्ठी कर लेना है और इसी तरह परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि हमें खास्ता बनाना है। खास्ता बनाने के लिए हमें इसी तरह परफेक्ट मैदा को ऑयल से मिक्स कर लेना है। ओके, और अभी थोड़े थोड़े करके पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। इसे अच्छे से गूंदना है और ज़्यादा चिकना भी नहीं करेंगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे। मेरा गूंदना अभी हो गया है, इसी तरह नरम और सॉफ्ट होना चाहिए। अभी हम इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद अभी हम छुरी से कट कर लेंगे। आपको जो शेप पसंद हो आप वही शेप इसमें दे सकते हैं। मुझे जो पसंद है मैं वही शेप दे रही हूँ। थोड़ा धीरे धीरे ही कीजिए, नहीं तो उंगली काटने का भी डर रहता है। मुझे इतना अच्छी तरह से शेप तो देना नहीं आता है, ये हम घर पे ही बनाए हैं बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, और मेरे फैमिली को भी बहुत पसंद है। मैं इसे हमेशा तो नहीं बनाती, कभी कभार बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है और मैं इस तरह से शेप दे रही हूँ। आपको जो शेप अच्छे लगे आप वही शेप दे दीजिए। अभी हम कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें ऑयल गरम करने के लिए भी रख दिए हैं। अभी मेरा ऑयल गरम ही हो गया है तो मैं अभी इसको छोड़ रही हूँ फ्राई होने के लिए। आप आंच को धीमी आंच पे ही रखें। ज़्यादा हाई फ्लेम में मत कीजिए, नहीं तो हमारा नमकीन एक साइड से हो जाएगा और दूसरी साइड से नहीं हो पाएगा। हमें हर साइड से एक ही कलर करना है, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। अभी हम एक साथ सब डाल रहे हैं क्योंकि इसमें अभी एक के साथ यही नहीं जोड़ेगा। तेल में डालते ही एकदम छोड़ने लगेगा, अलग अलग हो जाएगा। ऐसे ही ब्राउन कलर हमको कर लेना है। अभी मेरा फ्राई हो गया है तो मैं अभी इसको निकाल रही हूँ तेल से। आपको कैसा लगा, आप भी घर पे बनाइए और बच्चों के साथ मजे लीजिए। और थोड़ा चाय हो जाए तो क्या है, चाय या कॉफ़ी। आप शाम का टाइम में किसी भी चाय कॉफ़ी के साथ अगर इस गर्मा गर्म अगर नमकीन हो तो क्या बात है। टीवी देखते हुए, मौसम अगर बारिश का हो
तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये नमकीन अच्छा लगे, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।